What's up YouTube? I am Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज का टॉपिक है कि हम अपने आप को मैथ से पहले कैसे प्रिपेयर करें. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ मैच. हम एक मैच के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सभी प्लेयरों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. उन्हें नहीं पता कि उन्हें मैच से पहले कैसे प्रिपेयर करना है, खासकर वो प्लेयर्स जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू करा है. तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक मैच से पहले, जब आप अच्छा कोई मैच खेलने जाओ, कोई डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या फिर स्कूल लेवल का जो भी मैच है, आपको हमेशा मैच को सीरियस लेना है. अगर एक नॉर्मल मैच भी है, आपकी एकेडमी का मैच भी है, उसे भी आपको बिल्कुल सीरियस लेना है. अगर आप मैच को टाइम पास लोगे तो आप कभी एक अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना. फिर आपका जो प्रोसेस है, मतलब आप कैसे मेहनत करते हो, क्या वर्कआउट करते हो, क्या ट्रेनिंग में करते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ट्रेनिंग अच्छी करोगे तो आप मैच के लिए अच्छा प्रिपेयर हो जाओगे. एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर में और एक ऑर्डिनरी प्लेयर में यही डिफरेंस है, वो उनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही हाई लेवल की है. कभी आप देखना, अगर आपकी एकेडमी में जो प्लेयर आपसे अच्छा खेलता होगा या स्टेट खेलता होगा, वो आपसे बेहतर क्यों है. वो सिर्फ आपसे बेहतर इसीलिए है क्योंकि जो उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसकी जो मैच में खेलने की एक एबिलिटी है, वो आपसे बेहतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही मन लगा के प्रैक्टिस करता है, टाइम पास नहीं करता. आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो नॉर्मल मैच है उसे टाइम पास लेते हो, फिर जब अच्छे मैचेस आते हैं उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाते. दूसरी चीज़ है, आप डरते हो कि जो आपके अगेंस्ट टीम है या आपके अगेंस्ट बॉलर है. ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, अगर आपके अगेंस्ट कोई स्टेट प्लेयर खेल रहा है, उसने अगर स्टेट की टी शर्ट पहनी हुई है या आपको पता है कि वो स्टेट प्लेयर है, तो आपके जो आपका जो माइंड है वो डर जाता है. आप करना तो कुछ और चाहते हो पर जो आपका माइंड है वो अंदर से डरा होता है कि यार ये स्टेट प्लेयर है, मैं इसके आगे कैसे टिक पाऊँगा. ऐसा नहीं होता, वो भी आपके जैसा ही है, वो भी आपसे डरता होगा कि अगर मैं इन प्लेयरों के सामने जो अभी बिगनर्स हैं इनके सामने आउट हो जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. पर वो दिखाता नहीं, आप दिखाते हो. इसलिए आपको कभी भी डरना नहीं. अगर आप डर रहे हो तो सामने वाले को शो मत करो, क्योंकि अगर आप सामने वाले को शो करोगे तो वो आपके ऊपर ही इफ़ेक्ट करेगा, पूरी टीम आपके ऊपर चढ़ जाएगी. आपको कभी शो नहीं करना. ये दो चीज़ आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, फिर आपका डर, आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए. हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो, एक घंटा करो, दो घंटा करो, कोई मैटर नहीं करता, पर हमेशा सीरियस प्रैक्टिस करो. अगर सीरियस प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर बन सकते हो. मैच से पहले आप हमेशा मैच में अच्छा स्कोर कर सकते हो. देखो सचिन सर भी, बड़े बड़े प्लेयर भी मैच में जीरो पे आउट हो जाते हैं, विराट कोहली सर भी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते, वो अच्छा प्रिपेयर करते हैं. उस मैच में नहीं चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में वो 100 बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट है. सबसे ज़रूरी है अपने ऊपर ट्रस्ट रखो. फिर जो आपका कैप्टन है, जो आपका कोच है, उन्हें आप पे ट्रस्ट होना चाहिए. उनके सामने या अपने आप को उनके सामने ऐसा शो करो कि आप बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हो या एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर बनने की राह पे हो. कभी भी चोरी मत करना कि आप एकेडमी जा रहे हो, वो बोलें कि बेटा 3 राउंड मारो, 5 राउंड मारो, और आप सिर्फ ग्राउंड के 1 राउंड मार रहे हो, 2 राउंड मार रहे हो. वो आप क्या सोचते हो कि आपके कोच को पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो. वो आपको बोलते नहीं, वो सिर्फ उन्हें ही बोलते हैं. फिर आपको एक दो बार बोलेंगे, पर अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो बोलना छोड़ देंगे. वो सिर्फ फिर उस प्लेयर पे वर्क करेंगे जो उनकी बात सुन रहा है, चाहे वो आपसे
अच्छा ना खेलता हो तो कभी भी चोरी मत करो। हमेशा अगर आपसे नहीं रन बन पा रहे या आप अनफिट हो, कुछ भी हो, आप अपने कोच से हमेशा डिस्कस करो। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप मैच खेलने चले गए, हमेशा वार्म अप करना चाहिए। चाहे आप थोड़ी देर नॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, हमेशा अपने आप को बिज़ी रखो मैच से पहले। अगर आप जाके ऐसे ही बैठ जाओगे तो आपका जो माइंड है वो इधर उधर जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ प्लेयर जो आपसे बेहतर आते हैं, वो अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखते हो तो आप पहले ही मैच में जाने से डर जाते हो। तो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखो, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अगर आप अपने आप को किसी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। हाँ, आपके रोल मॉडल होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के प्लेयर ही आपके रोल मॉडल हों। आपकी एकेडमी में कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं, आपके कोच हो सकते हैं, या कोई भी जो आपसे अच्छा खेलता हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कभी किसी प्लेयर को कॉपी मत करो। कॉपी करने का मतलब है कि आपने सोचा मैं स्टीव स्मिथ का फ़ैन हूँ तो मैं उसको कॉपी कर लूँगा, डेल स्टेन का फ़ैन हूँ तो उनके जैसा एक्शन रख लूँगा, बुमराह का फ़ैन हूँ तो बुमराह जैसा एक्शन रख लूँगा। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत होगी, जो आपकी अपनी क्वालिटी है वो भी आप खो दोगे। चाहे ऐसा आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर आप किसी प्लेयर को नेट में कॉपी करते हो तो आप उनकी तरह खेल नहीं पाते, फिर आप अपने आप को भी खो देते हो। अपनी क्वालिटीज़ भी जो आपकी हैं आप उन्हें खो देते हो। आपकी क्वालिटी भी अलग है तो उसे अपने आप को बिल्ड करो। कभी किसी को देख के कॉपी मत करो, कभी किसी से जलो मत कि यार ये मेरा दोस्त था, ये स्टेट खेल गया, रणजी ट्रॉफी खेल गया, ये टीम का कैप्टन है, कुछ भी। आप सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दो, वर्क करो। वर्क करोगे तो आप भी इंडिया खेल सकते हो, जो चीज़ आप चाहते हो, इंडिया चाहते हो, आईपीएल खेलना चाहते हो, स्टेट जो भी चाहते हो आप खेल सकते हो। पर हमेशा हर प्लेयर को ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। आपकी हर इनिंग, अगर आपने पिछले मैच में 100 मारे तो वो कोई मैटर नहीं करता, हर इनिंग आपकी ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले अपनी एकेडमी में अच्छा खेलो, खूब मैचेस खेलो, और हमेशा अपने से बेहतर प्लेयरों के साथ खेलना जो आपसे अच्छा खेलते हो। अगर आप 17 साल के हो तो आप 14 साल के प्लेयरों के साथ मत खेलो, आप खेलो 19 साल के प्लेयरों के साथ, 23 साल के प्लेयरों के साथ। इससे क्या होगा, आपका जो गेम है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे बड़े होंगे, आपसे बेहतर होंगे। अगर आप उनके अगेंस्ट खेल पाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। पर अगर आप अपने ऐसे छोटों के साथ खेलोगे, उनके अगेंस्ट रन करोगे, आप सोचोगे कि मैं बहुत ही बेहतर प्लेयर हूँ, नहीं। फिर जब आप एक अच्छे लेवल पे खेलोगे, अच्छे प्लेयरों के साथ खेलोगे, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा आप याद रखना। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आपको अपनी एकेडमी में अच्छा खेलना है, फिर एकेडमी में सेलेक्ट होने के बाद आप अगर डिस्ट्रिक्ट खेलने जाते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है। फिर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, सेलेक्ट होते हो फ्यूचर में स्टेट कैंप के लिए, तो आपको वहाँ पे अच्छा वर्क करना है, अच्छा अपने आप को फिट रखना है, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलने तक, इंडिया खेलने तक बहुत सारे राउंड्स होते हैं। आप किसी भी राउंड में अगर कमज़ोर पड़ गए, आप में घमंड आ गया, तो आप वहीं से आउट हो सकते हो। कभी भी अपने गेम पे घमंड मत करना कि यार ये तो मेरे से बेकार है, कभी किसी को मत बोलना। अगर कोई आपसे अच्छा नहीं खेल पा रहा है, आपका दोस्त ही है, उसके रन नहीं बन रहे और आपके कंटिन्यू रन बने जा रहे हैं, तो आप उसे जाके बताओ कि उसकी गलती क्या है। इससे क्या होगा, उसका गेम इम्प्रूव तो हो जाएगा पर जो आपकी स्किल है वो डबल हो जाएगी। अगर वो कवर ड्राइव पे आउट हो रहा है और आपका कवर ड्राइव बहुत ही परफेक्ट है, फिर आपने उसे बताया कि कवर ड्राइव को ऐसे खेलना है और वो कवर ड्राइव खेलने लगा, तो वो तो बेहतर हुआ ही है। पर जो आपकी अपनी स्किल है वो बहुत ही हाई लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको खेलना कैसे है। आपने उसे बताया तो आप अपने आप को भी बता रहे हो कि कवर ड्राइव खेलना कैसे है। तो कभी किसी से जलना मत। बहुत टाइम हमेशा
ऐसा भी टाइम आएगा कि आपके रन नहीं बनेंगे, आप 5, 6, 10, 15 मैच खेलोगे, आप वही 10, 15, 20, 25 रन बनाओगे। तो कभी गिव अप मत करना, ये मत सोचना कि आप बेकार प्लेयर हो, आपने कभी 100 भी बनाई होगी उसे याद करना। अच्छी बात है अगर आप 100 बना रहे हो और एकदम से बुरा टाइम आ जाता है, तो उससे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं, लाइफ के लिए, क्योंकि हमेशा गिरना भी ज़रूरी है। अगर आप गिरोगे नहीं, आप 100 पे 100, 100 पे 100 बनाते जाओगे, तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगी, एक घमंड आ जाएगा, तो ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने मैच से पहले प्रिपेयर करनी है, ये सिर्फ मैच से पहले ही नहीं, जो आपका गोल है ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप इन चीज़ों को करके देखना। इसमें से बहुत चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके साथ भी होती होंगी। कुछ के साथ क्या होता है कि वो नेट पे बहुत अच्छा खेलते हैं पर मैच में नहीं खेल पाते, क्योंकि नेट पे आउट होने का डर नहीं है पर मैच में आउट होने का डर है। और डर सिर्फ इसीलिए है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप सामने वाले प्लेयर से डरते हो। 0 पे सब प्लेयर आउट होते हैं, बड़े से बड़ा प्लेयर भी 0 पे आउट होता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, आपको ये सोचना है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ जो मेरे से रन नहीं बन रहे। अब वो चीज़ याद करो कि जब आप 100 रन बना रहे थे तो आप क्या चीज़ अच्छी कर रहे थे। अपने कोच से डिस्कस करो कि सर मुझसे ये गलती हो रही है, मैं नहीं खेल पा रहा, मैं बाउंसर नहीं खेल पा रहा, तो उन चीज़ों पे वर्क करो। ये नहीं आप अकेडमी जा रहे हो, बैठ गए, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको ये लगता है कि मैं तो अच्छा प्लेयर हूँ, मैं तो हर मैच में खेलूँगा ही। खेलोगे पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर